हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब ने कई बार बोला था कि सर स्ट्रक्चरल इंटरव्यू के लिए और ज़्यादा ईटेस और स्टैट पर क्वेश्चन बताइए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैट और ईटेस में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड्स या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो आपको आना चाहिए किसी भी इंटरव्यू के लिए, साथ ही साथ उससे रिलेटेड ऑटोकैड पे क्या काम आपको आना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छा लगेगा तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए लोग हो, और अगर हमारे पहले के साथी हो तो सब लोग क्या करो, शेयर करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा वीडियो हम लोग आपके लिए ला सकें। डेली मैं वीडियोज ला रहा हूँ तो मेरा कोशिश ये है कि न्यू ईयर आते आते 10K तक का हम लोग सब्सक्राइबर क्रॉस कर लें। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, टारगेट हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हम लोग स्टैट प्रो ओपन करते हैं तो अब स्टैट प्रो में आपको फाइल फॉर्मेट पता चल गया, लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था। उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, उसके अलावा दे कैन आस्क अबाउट सिस्मिक एनालिसिस, सिस्मिक के लिए प्रोसेस क्या क्या है। अब प्रॉब्लम यह होती है कि प्रोसेस तो कुछ लोगों ने रटा है, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू IS 1893/2016 कैसे करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब आपको IS कोड के अकॉर्डिंग कैसे करना है, तो जब IS कोड के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको जोन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कितने सेस्मिक जोन है इंडिया में, 4 जोन, 2, 3, 4, 5। 2 का फैक्टर क्या है 0.10, 3 का फैक्टर क्या है 0.16 और 4 का है 0.24 और 5 का है 0.36, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर आपको विंड एनालिसिस नहीं पता है तो समझिए आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। विंड एनालिसिस एज पर 875 पार्ट 3, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको क्या आना चाहिए, आपको टेरेन कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। टेरेन कैटेगरी क्या क्या होती है, कितने टेरेन कैटेगरी हैं, 4 है IS कोड में। स्ट्रक्चर क्लास कितने हैं, 3 है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में। तो पहले अगर नहीं पढ़ा है तो आप स्ट्रक्चर का पार्ट 1, 2, 3, 3 पार्ट में हमने स्ट्रक्चर का इंटरव्यू बताया था, वहाँ पे आप पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेट कर्सर कहाँ पे यूज करते हैं, सरफेस कर्सर कहाँ पे यूज करते हैं, और देख रहा होगा हमने नोट्स के थ्रू प्लेट लगाते हो और सरफेस लगाते हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब कई लोगों ने देखा होगा कि स्लैब के लिए उन्होंने सरफेस ले लिया और उनका एरर आ रहा है, देखते होंगे एरर आ रहा है, एक डाटा नॉट प्रोवाइडेड समथिंग लाइक दिस, एरर आपके पास आने लगते हैं। तो एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप स्लैब लगा रहे हो तो वो एक प्लेट है, तो जस्ट प्रोवाइड द प्लेट, आपको प्लेट प्रोवाइड करना है। उसके साथ ही साथ आपके साथ गड़बड़ी होती है सरफेस कर्सर, सरफेस कर्सर कहाँ यूज करना है, सरफेस कर्सर हमें यूज करना है सियर वॉल डिजाइनिंग के लिए। सियर वॉल डिजाइनिंग आप सबने पढ़ा होगा, सियर वॉल डिजाइनिंग के लिए क्या यूज करते हैं लोग, सरफेस कर्सर यूज करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले लो। अब सियर वॉल डिजाइन तो आप बोलोगे उनको, अब वो आपसे पूछेंगे सियर वॉल के टाइप्स, तो आपको सियर वॉल के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। मिनिमम थिकनेस 150mm, मैक्सिमम 400, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप सियर वॉल, 4 टाइप सियर वॉल, रिजिड फ्रेम सियर वॉल, एससीटी इनफिल सियर वॉल, कॉलम सपोर्ट सियर वॉल, और कॉलम सपोर्ट सियर वॉल, और एक और कौन सा होता है एससीटी इनफिल सियर वॉल। ये 6 टाइप का आपको सियर वॉल के टाइप्स पता होना चाहिए, और ये कौन से कहाँ पे यूज करते हैं, इसी कोर टाइप कहाँ यूज करते हैं लिफ्ट एरिया में। तो आपको मैक्सिमम स्टैट प्रो में कोर टाइप और रेक्टेंगुलर 2 टाइप्स के सियर वॉल डिजाइन करने पड़ेंगे मैक्सिमम केस में, और कभी कभी आपको रिजिड फ्रेम सियर वॉल यूज करना पड़ सकता है हाई राइज स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा और ज्यादा अगर डीप में जाते हैं आप स्टैट प्रो के, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एडवांस कंक्रीट डिजाइन के बारे में। एडवांस कंक्रीट डिजाइन करते क्यों है, एडवांस कंक्रीट डिजाइन से हम लोग अच्छे से जान सकते हैं कि हॉगिंग कितना आ रहा है कॉलम में, बीम में, और सैगिंग कितना आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए हॉगिंग क्या है, सैगिंग क्या है, अगर नहीं पता है तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, उसमें कॉलम का सेक्शन, बीम का सेक्शन कट करके हम लोग एडवांस कंक्रीट डिजाइन के अंदर देख सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम पता कर लेते हैं। उसके अलावा कई लोग पूछते हैं सर स्लैब का डिजाइन स्टैट प्रो के अंदर कर सकते हैं क्या, मुझे कई ढेर सारी क्वेरीज आई थी, नहीं कर सकते स्लैब का डिजाइन एस पर IS 456 स्टैट प्रो के अंदर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर सकते हो।
तो डिजाइन कैसे होगा सर, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो डिजाइन या तो आप एक्सेल से कर लीजिए, या मैनुअल कर लीजिए, या फिर ब्रिटिश कोड से कर सकते हैं स्टैट प्रो के अंदर। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे डीप में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप चलते हैं ईटैब्स में। ईटैब्स में अगर हाई जो डायनेमिक एनालिसिस है, डायनेमिक एनालिसिस कौन कौन सी होती है, पुश ओवर एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर जो सामने वाला इंटरव्यूअर है उसको अगर डीप नॉलेज है तो पूछेगा व्हाट इज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, व्हाट इज टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। तो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, पीछे के जितने डाटा है, मींस स्ट्रक्चर को एक जो मैक्सिमम डाटा है, अगर कोई 9 रिक्टर पे अर्थक्वेक आया है उसका डाटा लेते हैं और उसका डाटा लेके अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, मींस अपने स्ट्रक्चर के ऊपर डालते हैं, उसका एनालिसिस करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या कहलाता है आपका, रिजल्ट कहलाता है टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं स्ट्रक्चर का, मैक्सिमम लोड अपने जो भी हमारा लोड है स्ट्रक्चर का उसका मैक्सिमम लोड डाल के अलग अलग टाइम पे अलग अलग मोड में उसका रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। इस पर भी मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा कि ईटैब्स में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है उनके मेथड गलत है, बट मैं आपको जल्दी ही इस पर भी एक एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इसके अलावा होता है पुश ओवर एनालिसिस, ये क्या होता है, इसमें हिंजेस प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे प्लास्टिक हिंजेस प्रोवाइड करते हैं 5% ऑफ द बीम पे और 95% पे। ये होता है नॉन लीनियर एनालिसिस, क्या होता है ये नॉन लीनियर एनालिसिस। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं ईटैब्स के अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं और स्टैट प्रो के अंदर भी है, लेकिन मैंने सोचा है कि पार्ट में करेंगे। जैसे मैंने पार्ट वन में किया था आपको कुछ सॉफ्टवेयर कुछ कमांड्स बताई थी, अब पार्ट टू में ये कमांड्स है, अब पार्ट थ्री में भी और ज्यादा डीप में हम जाने वाले हैं टाइम हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, मास पार्टिसिपेंट क्यों यूज करते हैं, मास सोर्स क्यों यूज करते हैं, ये पार्ट थ्री में आपको मिलेगा। पार्ट टू को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, तो डेफिनेटली हम लोग पार्ट थ्री भी लेके आएंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर का जो सॉफ्टवेयर उसका निचोड़ निकाल लेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आप जा रहे होंगे इंटरव्यू, तो आपको पता चल रहा होगा कि इंटरव्यू में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। बाकी अगर आपको लगता है कि पर्सनल गाइडेंस आपको लेने की जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मेरे पास डेली का एक दो लोग आते रहते हैं, उनके पास कुछ भी क्वेरीज रहती है वो सॉल्व करवाते रहते हैं। आप भी आ सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है सब कुछ नहीं यार, आप सब हमारे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, तो आप सब आके आराम से बात कर सकते हो, अपने करियर को अच्छा कर सकते। दोस्तों मैंने कई लोगों को देखा, उन लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल करना स्टार्ट किया, कॉल मत करिए, क्योंकि ये जो मेरा नंबर है ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। अगर आपने क्वेरीज कुछ डाली और बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो डेफिनेटली सभी को पता है कि मैं जो भी लोगों में कॉल करता हूँ मैं आपको बैक कॉल कर लूँगा, अगर पॉसिबल होगा तो टाइप करके हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बैक कॉल करूँगा और बैक कॉल करके आपको इजिली आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँगा। अदरवाइज मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दे सकता हूँ, आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपने लैंग्वेज को, कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चन है, और मुझे भेज दीजिए, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और करता भी हूँ, आप सबको पता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिसमें पार्ट थ्री भी लेके आ सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 पार्ट पे पूरा का पूरा स्टैट और ईटैब का निचोड़ निकाल दिया जाए कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, किसी भी इंटरव्यू में जाओ आपका स्ट्रक्चर का इंटरव्यू हमेशा अच्छा जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।